छतरपुर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दिल्ली से आए युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। वहीं नगांव में भी 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। ग्रीन जोन माने जाने वाले छतरपुर में कोरोना की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली से आए 24 वर्षीय युवक का COVID-19 का सैंपल पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। युवक 2 दिन पहले दिल्ली से नगांव अपने घर बजरंग नगर आया था। रविवार को युवक के सैंपल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। युवक को नगांव के जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है और इसके परिजनों को घर पर क्वारंटीन कर इनके सैंपल की जांच की जा रही है। घर के आसपास के क्षेत्र को क्वारंटाइन एरिया घोषित कर दिया गया है। उधर नगांव स्थित ग्राम कैंथोकर में जिले का 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। इसमें अनुभागीय अधिकारी महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि कोई व्यक्ति बजरंग कॉलोनी में कोरोना का पॉजिटिव है, तो मोबाइल नंबर था, मोबाइल नंबर से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि कोई संजू अहरवार करके है जो धौरा मंदिर के पास रह रहा है। तत्काल अनुभागीय अधिकारी पुलिस को और डॉक्टर साहब को इस संबंध में सूचना दी गई और पूरे सदल बल आके उसको संबंधित कोरोना पॉजिटिव को आइसोलेशन के लिए छतरपुर भेज दिया गया है और उनके पूरे परिवार को आगामी अगले 21 दिनों के लिए या 14 दिन जो भी निर्धारित होंगे उसके लिए होम क्वारंटाइन कर दिया। नौगांव में जैसे हमें जानकारी लगी कि अभी दिल्ली से 2 दिन पहले एक व्यक्ति यहाँ संदेहप्रद आया था और उसने फ़ोन करके हमको बताया कि मेरी रिपोर्ट आज आई है रविवार के दिन जो कि पॉजिटिव है। तो जैसे ही प्रशासन को पता चला तो पूरी टीम सहित श्रीमान SDM महोदय जी और अनुभागीय पुलिस अधिकारी जी, तहसीलदार महोदय जी, पूरा अमले के साथ हम लोग यहाँ आए हैं और उस व्यक्ति की हमने रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट देखने के बाद ही पता चला कि दिल्ली में उसने उसका टेस्ट किया गया था लेकिन उसको रिपोर्ट आने के पहले ही वहाँ से वो भाग आया। तो ऐसी यहाँ इससे सूचना दी तो उसको हमने प्रोटोकॉल के तहत जिला अस्पताल आइसोलेशन वार्ड के लिए भेज दिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।